गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा पांचवी के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जहाँ चाह वहाँ राह नामक पाठ की शुरुआत की थी और इसके हमने दो अंश पढ़ लिए थे। आज हम इसके तीसरे अंश को पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा याद दिला देते हैं, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इला सचानी नामक एक जो है 26 साल की गुजरात की रहने वाली एक आर्टिस्ट है, जो कि बहुत अच्छे कढ़ाई के कार्य करती हैं। ऐसे इस टाइप के डिजाइन्स होते हैं जिन्हें कढ़ाई कहते हैं, तो बहुत अच्छे कढ़ाई के कार्य करती हैं, बहुत होनहार है, लेकिन उनके हाथ सचल अवस्था में नहीं है, इसलिए वो अपने पाँव से ही ऐसा कार्य करती हैं। हाँ, और जो है मतलब ये अभी तक स्टोरी में कहा नहीं गया है, मैंने सस्पेंस खत्म कर दिया आप लोगों का, चलिए कोई नहीं। और उसके बाद इला सचानी के बचपन की गाथा सुनाई जाती है, जबकि वो अपने ननिहाल में रहती थी और बच्चे किस प्रकार वहाँ पर मतलब सावन का इंतज़ार करते हैं और गाना गाते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो सभी अपने रिमझिम के किताब की 42 नंबर पृष्ठ संख्या निकाल लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। अब बच्चे जब ये कच्चे नीम की निबोरी रे इस प्रकार का जब गाना गाते, तो इला सचानी उनके साथ गला मिलाकर गाना तो गाती, लेकिन वो जैसे हमने पढ़ा कि झूले में पेंग बढ़ाने का कंपटीशन करते, उस प्रकार के कंपटीशन में इला सचानी उनका हाथ नहीं बटा पाती या उनके साथ संगत नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो हाथ उठाना तो चाहती है, लेकिन उसके हाथ अपने जगह उठते नहीं हैं, वो फिक्स हैं एक जगह पर, उसके हाथों में कोई ताकत नहीं है और उसके हाथों में कोई मतलब सेंसेशन नहीं है। इनको मूव करने के लिए आपके जॉइंट्स ठीक होने चाहिए, आपके ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करना होता है, तब जाके आपका हाथ मूव करता है। आपका ब्रेन आपको बोलेगा लिफ्ट योर हैंड, देन ओनली यू विल डू इट, लेकिन आपका ये ब्रेन अगर सूखा हुआ है, इस ब्रेन से अगर फंक्शन नहीं हो रहा है जो आपको यहाँ कनेक्ट कर रहा है, तो आपकी उस दशा को पैरालिसिस कहते हैं, तो वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा एक्टिविटी आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही उसके साथ भी होता था, इसीलिए वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, क्या सोचती बेचारी, मैं भी ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी की तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। जब धप्पा करने की बारी आती तो वह निराश हो जाती। मतलब देखो, बच्चे हैं, उनको तब कौन स्पेशली एबल्ड है, कौन डिफरेंटली एबल्ड है, ये जानकारी उनको नहीं होती है, तो वो सोचते कि ये तो हमारी फ्रेंड है तो हमारे साथ क्यों नहीं हमारे तरह खेल पाती है, किसी की तरह तो खेल पाएगी, अच्छा खेले बुरा खेले लेकिन खेले तो। और वो भी बच्ची थी तब, उसको भी अपने इस स्थिति के बारे में ठीक ठाक ज्ञान नहीं था, इसलिए वो भी चाहती थी कि बाकी स्टूडेंट्स की तरह, बाकी उसके फ्रेंड्स की तरह वो भी इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले, उनके साथ खेले। और मतलब वो ये भी सोचती थी कि ये सभी कर पा रहे हैं तो वाई मी, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी। ठीक है, सोचो कितने एक छोटे बच्चे के लिए ये बहुत एक दुख का सिचुएशन होता है, चाहे वो बाद में उसको ओवरकम कर ले, लेकिन उसके मन की गहराई में जब वो छोटे होते हैं तो उनको कितना दर्द पहुंचता होगा, कितना चोट पहुंचता होगा जब वो इस सत्य से रूबरू होते हैं कि वो दूसरों से थोड़े अलग हैं। तो उसके बाद अगर हम उनको तंग करें, डिस्टर्ब करें, तो सोचिए उनको कितना दुख होता होगा। इसलिए बच्चों, देखिए ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, यदि आप किसी ऐसे
व्यक्ति को अपने आसपास देखें या हो सकता है वो आपके परिचित हों, तो प्लीज़ उनके उस अवस्था का मजाक ना उड़ाएं या उनको किसी तरह से भी कॉर्नर कर देने की कोशिश नहीं करें कि वो आपकी तरह सारे काम नहीं कर सकते हैं। सोचिएगा कि वो भी अंदर ही अंदर कितने उड़ गए होंगे, कितने दुखी हो गए होंगे कि उनका ऐसा हालत हो गया है ना। तो चलिए, आप लोग बहुत वेल मैनर्ड है, मैं जानती हूँ आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि वो सोचती मैं क्यों नहीं कर पाती, बच्चे चाहते कि वो किसी की तरह खेले, कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई के खेल में उनका साथ देती क्योंकि वो उसके पैर तो ठीक ठाक थे तो वो दौड़ पाती बहुत अच्छे से, तो इसलिए वो पकड़म पकड़ाई खेलती, विष अमृत का खेल खेलती। विष अमृत का खेल एक प्रकार का खेल होता है जहाँ पर कि मतलब बच्चे जो है दौड़ते हैं और दौड़ करके जिसको वो सर के ऊपर हाथ रख देते वो विष, और फिर एक जन उसके टीम का आके उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसको अमृत बोल देते, तो इस प्रकार का एक गेम होता है। और जब वो अपने दोस्तों के साथ दौड़ दी, सपोज कि आप लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, वहाँ पर आप जब छुप जाते हैं और छुपने के बाद उसके बाद जो है जब आपको कोई ढूंढ लेता है तो वो आपको जोर से आके से धप्पा बोलता है, तो ये धप्पा बोलने के लिए हम लोग हाथ का यूज़ करते हैं, तब हम लोग सोचते ही नहीं है कि ये हैंड कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि हो सकता है हम जो ये इजीली ऐसे धप्पा बोल के किसी को धक्का दे रहे हैं ये करने के लिए किसी को पूरी उम्र लग जाती है फिर भी वो नहीं कर पाते, इतना नहीं कर पाते हैं हम। सारे फैसिलिटीज़ को गॉड ने हमको जो फैसिलिटीज़ दी हैं हम सारे फैसिलिटीज़ को यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि बहुत सारे इंसान इस दुनिया में ऐसे हैं जो हमको जो बहुत ही नॉर्मल लगते हैं, जैसे पलकों को झपकाना जो हमको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, हम कभी सोचते भी नहीं हम पलके झपका रहे हैं, इसके लिए भी लोगों को तकलीफ है, ये भी लोग नहीं कर पाते है ना। तो इसी तरह से जब थप्पा बोलने की बारी आती है वो बेचारी निराश हो जाती है क्योंकि हाथ तो उठा नहीं सकती है, मुंह से बोल सकती है, पांव चला सकती है, लेकिन हाथ से थप्पा नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके दर्द को अनुभव कीजिए, हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे करेगी, हाथ ही नहीं उठेंगे तो बेचारी थप्पा कैसे करेगी। वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, वो जितना भी कोशिश करती उसे लगता कि उसके हाथ जैसे उसका साथ ही नहीं देना चाहते हैं, उसका माइंड चाहता है, वो खुद चाहती है लेकिन उसका हाथ उसको साथ नहीं देती है। तो उस बच्ची में इमेंस टैलेंट था, उसने अपने हाथों को चुनौती दी कि तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे लेकिन तुमसे जो काम कर सकते हैं मैं वो कहीं और से करके दिखाऊंगी, तुमसे मुझे चाहिए था, सभी तुमसे ही करते हैं लेकिन तुमने मुझे वो फैसिलिटी नहीं दी है, इसलिए मैं इस काम को तो करूंगी लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और ऑर्गन से करूंगी, ठीक है। वो क्या है, कैसा है, बाद में जानेंगे अगली कक्षा में, तब तक खैरियत से रहें, बाय।